सबसे पहले तो मैम आपको आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इतने बिजी शेड्यूल में हमें आज के इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जो पहला क्वेश्चन एज द फैकल्टी मेंबर एंड एज द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो ये डिपार्टमेंट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस जो कि माशाल्लाह इस पूरी यूनिवर्सिटी का फादर फील्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चंद बड़े डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है, उसमें आप स्टूडेंट्स को कौन कौन से कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं? जी अकार सर, हमारा डिपार्टमेंट जो है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, ये एक साइजेबल डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी में, और इस वक्त हम 5 एमएस के प्रोग्राम हैं जो ऑफर कर रहे हैं। उसमें एमएस इंग्लिश है, एमएस उर्दू है, एमएस इस्लामिक स्टडीज, एमएस मार्क्स स्टडीज और एमएस एजुकेशन है। इनके अलावा हम एक पीएचडी का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जो पीएचडी एजुकेशन है, और नेक्स्ट में हमारे प्लानिंग ये है कि पीएचडी इंग्लिश और पीएचडी इस्लामिक स्टडीज का प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अंडर ग्रेड लेवल पे हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं उनमें बीएस इंग्लिश शामिल है, लॉ है, इस्लामिक स्टडीज है, बीएस पाकिस्तान स्टडीज है और बीएस फिजिकल एजुकेशन। ये हमने जब ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ तो इन 5 प्रोग्राम्स के साथ शुरू किया। उसके बाद हमने 4 और नए प्रोग्राम शामिल किए जिसमें फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल डिजाइन, इंटरनेशनल रिलेशंस और मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज शामिल है। तो इस वक्त हमारे पास आप यूँ कह सकते हैं कि 5 एमएस के प्रोग्राम, 1 पीएचडी का प्रोग्राम और 4 अंडर ग्रेड स्टडीज के प्रोग्राम चल रहे हैं। मैम जैसे कि आपने बताया कि 12 से एक टीम जो है वो बीएस के प्रोग्राम चल रहे हैं, 5 एमएससी और 1 पीएचडी का भी प्रोग्राम आप चला रहे हो, तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट मतलब है आप इसका मैनेज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट फैसिलिटेशन के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ कि यूनिवर्सिटीज या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसमें प्राइम फोकस जो है वो स्टूडेंट के हवाले से होता है, तो वो आप स्टूडेंट्स को ये डिपार्टमेंट किस तरह फैसिलिटेट मतलब हम कर रहे हैं उसके हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें? जी एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूनिवर्सिटी में प्राइम फोकस जो है वो स्टूडेंट पे होता है कि स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाए। तो हम लोग भी अपने डिपार्टमेंट में हमारी यही कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए, उनको स्किलफुल बनाने के लिए इसी तरह की एक्टिविटीज करवाई जाएँ ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उनकी सलाहियतें पॉलिश हो सकें। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स से लेके हर तरह की उन्हें सहूलियात जनरली यूनिवर्सिटी में होती हैं वो सारी उन्हें हासिल हैं। स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पे एक स्टूडेंट्स फैसिलिटेशन सेंटर है जो कि हमारी लीडरशिप का ये विजन है कि बच्चे का कोई भी मसला हो तो विद इन 24 आवर्स उस इशू को रिजॉल्व कर दिया जाए। तो वो स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो यूनिवर्सिटी के हर तालिबे इल्म को फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं जो कि पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एंटरटेन करती हैं, और इसमें ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट्स शामिल हैं, क्योंकि हमारे पास फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो खास तौर पे उन बच्चों की वहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाता है। जिम है हमारे पास अपना। इसके अलावा जो हमारे आर्ट के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए आर्ट लैब्स हैं, स्टूडियो है उनके लिए वेल एस्टैब्लिश्ड जहाँ पे बच्चे अपनी सलाहियतों को निखारते हैं। मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए एक मीडिया का स्टूडियो है। इसके अलावा डिपार्टमेंट के बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर लैब्स हैं। इसके अलावा ये है कि हम लोग बच्चों के कॉम्पिटिशन इस तरह के करवाते हैं उनकी क्रिएटिव राइटिंग को पॉलिश करने के लिए और उनकी बाकी सलाहियतों को निखारने के लिए मुख्तलिफ तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे नाच कॉम्पिटिशन है, किरात कॉम्पिटिशन है, पेंटिंग के कॉम्पिटिशन होते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसिस, इस तरह की बहुत सारी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं ताकि बच्चों की ग्रूमिंग हो सके। हम अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे ये है कि सीएसएस क्लब भी बनाया हुआ है हम लोगों ने, और उसमें यह है कि अभी रिसेंटली हमारा एक एमओयू साइन हुआ है अलमीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसके साथ मिलकर हम बच्चों को सीएसएस की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हमारा शहर जिसमें ये ख्वाजा फरीद
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। ये शहर दरअसल सिंध बलूचिस्तान और पंजाब के संगम पे वाकई है, ये तीनों सूबों को मिलाता है। तो हमारे पास जर्नी पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन बिलखसूस सिंध और बलूचिस्तान से भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। तो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास हॉस्टलिटी सहूलियात भी मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी मुहैया की जाती है। इसके अलावा एक और खास बात जो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हासिल है वो ये है कि स्कॉलरशिप्स, इस वक्त हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 45% स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप पे अपनी स्टडीज जारी रखे हुए हैं। तो उसमें फॉरेन डिपार्टमेंट भी शामिल है, जिसमें कोशिश ये की जाती है कि कोई भी यतीम, कोई भी गरीब बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से तालीम से ना रह जाए। तो हर इस तरह के निजी स्टूडेंट भी और या फिर यतीम स्टूडेंट है उसकी हेल्प की जाती है और उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे मैं इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि इतनी ज्यादा हम जो फैसिलिटी डिपार्टमेंट दे रहा है, चाहे स्पोर्ट्स के हवाले से हो या चाहे लैब्स के हवाले से हो, यूनिवर्सिटी की जब जब बात आती है, खासतौर पर एमएस और पीएचडी की लेवल की जब बात आती है, तो रिसर्च के हवाले से एक क्वेश्चन आता है कि रिसर्च कितनी हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड रिसर्च के स्टैंडर्ड के हिसाब से जांचा जाता है। तो रिसर्च के हवाले से बताया गया डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज रिसर्च के हवाले से क्या कर रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग एग्जैक्टली रिसर्च के हवाले से जो है ना वो जांची जाती है, और उनकी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च का एक अहम रोल होता है। तो हमारा डिपार्टमेंट भी इसमें अपना वाइटल रोल प्ले कर रहा है। रिसर्च में यह है कि हमने अपना डिपार्टमेंट का एक KFUEID जनरल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के नाम से हमारा डिपार्टमेंट अपना एक इंटरनेशनल ऑनलाइन रिसर्च जर्नल चला रहा है। इसके अलावा यह है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को एंटरटेन करने के लिए और बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक लिटरेरी मैगजीन का इजरा किया है, जो कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के नाम से वो मैगजीन भी हम चला रहे हैं। और बाकी ये कि हमारे जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए और उनको एक रिसर्च कल्चर प्रमोट करने के लिए उनको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, जिसमें हमारे बच्चे कॉन्फ्रेंसेस में भी अपने पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स भी पब्लिश करवा रहे हैं। और जहाँ तक हमारे फैकल्टी मेम्बर्स की बात है तो वो भी इस हवाले से हमारा कोशा है, हर वक्त उनकी भी कोशिश होती है और बुक्स आ रही है हमारी जो पब्लिश हो रही हैं और रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। ऑल्दो कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं मैम आपसे पूछने के लिए, और लेकिन मुझे पता है कि आपका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ है और आपने हमें अपने मसरूफ शेड्यूल से जो टाइम दिया है, एक आखिरी सवाल के साथ मैं आज के स्थिति का काम करना चाहूँगा कि एज एन एचओडी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज आप अपनी फैकल्टी को और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा अपने स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए भी यही मैसेज है कि आप लोग मेहनत करें और लगन से काम करें। आप जिस भी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, पूरे जोश जज्बे के साथ कोशिश करते हैं, तो आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। आप अपने सामने एक टारगेट रखें, कभी भी बेमकसद ना चलें, अपने सामने एक टारगेट रखें, उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ और पॉजिटिव होकर चलें, अपनी अटेंशन डाइवर्ट ना करें किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव होकर चलेंगे उतना ही ज्यादा आप कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, आज की इसी नोट के साथ हम आज के सिटिंग का भुगतान करते हैं। जिंदगी खैर, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ डॉक्टर समीना सरवर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत सी नेक तमन्ना और दुआओं के साथ मुझे और मैम को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।